समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान ने कांवड़ियों के हादसे में मौत के बाद मुआवजे की राशि को लेकर सवाल उठाए हैं। आजम खान ने इस राशि को बढ़ाने की बात कही है। आजम खान ने कहा है कि जब भी किसी मजहब, धर्म या धार्मिक लोगों की क्षति होती है, वो किसी के द्वारा हो और किसी भी तरह की हो, जाहिर है हमें उसका अफसोस होता है और दिल से दुख भी होता है। आपको बता दें, आजम खान ने कहा है कि कांवड़ियों की जिस तरह से हत्या हुई है या जिस तरह से उन्हें दुनिया से रुखसत होना पड़ा है, बहुत ही अफसोसजनक है और दर्दनाक है। हम सब के लिए एक सवाल भी बनता है, धर्म के नाम के लिए निकले लोगों का सम्मान हो, यह हम सब की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा है कि मजहबी आस्था रखने वालों के साथ हमदर्दी हो, यह भी सबकी जिम्मेदारी है। एक तरफ तो सरकार कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर रही है और दूसरी तरफ हादसे में जान गंवाने वालों को मात्र 1,00,000 रुपए का मुआवजा दे रही है। ये सब कुछ अच्छा नहीं लगा, जैसा दिखावा है वैसा ही अमल होना चाहिए। आजम खान ने आगे कहा है कि कांवड़ियों का ये सम्मान है तो फिर उनकी हादसे में मौत के बाद उनके सम्मान को सम्मान में ही जिंदा रखना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार हर कांवड़ियों को जिसकी इस हादसे में जान गई है, उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार 50,00,000 रुपये मुआवजा दे और 50,00,000 मुआवजा केंद्र सरकार दे, यही सही भरपाई होगी और सही श्रद्धांजलि भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।